ये है किमची, रेडिश किमची यानी कि मूली की किमची, कोरिया में बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं। एंड ये है गार्लिक किमची लाइक दैट, जैसे हमारे लहसुन का अचार होता है, कोरियन गार्लिक किमची। एंड ये है कोरियन तरबूज, ओ माय गॉड बहुत बड़ा तरबूज है। एंड इसकी पाकिस्तानी प्राइस है 2800 रुपये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने और साथ साथ आप लोगों को भी लेके जा रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें एंड देखें कि कोरिया एंड पाकिस्तान के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। बिकॉज बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान एंड कोरिया में कितना डिफरेंस है इनके प्राइसेस में, इस कोरिया एक्सपेंसिव। तो चलें आए जी आप आज मेरे साथ शॉपिंग करें एंड खुद ही देखें कि इनके प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंजेस। ये ऑरेंज तो नहीं होते, मौसमी भी नहीं होते, लेकिन लाइक दैट ऑरेंज से रिजेंबलिंग करते हैं। एंड ये 6 हैं एंड इनकी प्राइस है पाकिस्तानी प्राइस तकरीबन 650 बनती है। एंड ये आड़ू हैं एंड इनकी प्राइस पाकिस्तानी प्राइस है 1230। एंड अभी हम लेमन लेते हैं। लेमन यहाँ पर ये ले रही हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं ये लेमन, बट बहुत अच्छे होते हैं। तो इनकी प्राइस है 173। तो अभी हम टोमेटो लेते हैं। टोमेटो भी बहुत मज़े के ये लग रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर टोमेटो ले लिया एंड इनकी प्राइस है 506 के 506 रुपये। अभी यहाँ पर हम गाजर ले रहे हैं, जस्ट यहाँ पर मैं दो गाजर ले रही हूँ। दो गाजर की जो प्राइस है 173। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ये पम्पकिन है एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्रीन अनियन है। अभी ग्रीन अनियन की भी मुझे ज़रूरत है, तो ग्रीन अनियन हम लेते हैं एंड इसकी भी प्राइस है 173। तो ये ले लिए हमने, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन आ गया, यहाँ पर ड्राइड फिश रखी होती है, इन लोगों ने सूप में यूज़ करते हैं एंड इससे बहुत मज़े का सूप बनता है एंड हेल्दी सूप होता है। तो ये देखने में तो थोड़ी सी मतलब लग रही थी मुझे, लेकिन जब मैंने इसका सूप बनाया बहुत ही मज़े का बना। एंड ये हर खाने के साथ अगर आप रेस्टोरेंट चले जाएँ ये, तो ये हर खाने के साथ आपको सूप लाजमी देंगे। ये बहुत मज़े का इनको, ये सारी जितना भी ये सेक्शन है ये सारा फिश, ड्राइड फिश का ही है। ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़िश ड्राई करके तो इन्हें स्टोर किया हुआ है। अच्छा जी, तो अभी आगे चलते हैं दूध की तरफ। दूध लेते हैं हम और देखते हैं कि दूध की क्या प्राइजेज हैं। तो ये मिल्क सेक्शन है, यहाँ पर हर टाइप का मिल्क अवेलेबल है। फ्लेवर्स में भी मिल्क मिल जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सिंपल मिल्क पड़ा हुआ है एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का है। तो हम जो यूज़ करते हैं सेल का यूज़ करते हैं एंड 1 लीटर जो है ये इसकी प्राइस है पाकिस्तानी 383। 1 लीटर मिल्क 383 का है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिफरेंट डिफरेंट ये देखें सारे फ्लेवर्स में पड़े हुए थे। चॉकलेट फ्लेवर में दूध पड़ा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, क्योंकि ज़यान जो है वो बाज़ दफ़ा नहीं पीता दूध, तो फिर उसे मैं फ्लेवर मिल्क में दूध दे देती हूँ। तो वो अब खुद ही अपनी पसंद से दूध उठा रहा है कि उसे कौन सा पीना है, क्योंकि बच्चों को भी वेराइटीज़ चाहिए होती है ना हर चीज़ में। वो एक सेम टेस्ट तो एवरी टाइम नहीं ले सकते, तो इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में जो है ना वो दूध लेना पसंद करता है। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ। दही है यहाँ पर तकरीबन ये 1/2 kg का पैक है दही का एंड इसकी पाकिस्तानी प्राइस है 506 के 506 रुपये। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, सारे जूसेस एंड वाटर लगा हुआ है यहाँ पर, पानी के ये छोटी छोटी बोतलें हैं एंड सबसे ये छोटी बोतल है पानी की। एंड इन सब में से जो मेरी फेवरेट है एंड मैं जो पानी पीती हूँ वो है ये वाला, इस कंपनी का पानी। एंड इसकी प्राइस है जी, इसकी प्राइस मैं बताती हूँ आपको अभी। तो इसकी पाकिस्तानी प्राइस है 100। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर सारी ड्रिंक्स लगी हुई हैं, हर ड्रिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ कोक का 1 tin pack। तो 3 pack की जो प्राइस है वो पाकिस्तानी है 159। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 liter कोक, तो उसकी जो प्राइस है वो है जी 289, 289। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले रही थी। यहाँ पर स्पाइसेस लगे हुए थे, क्रस्ट, रेड चिली पेपर है एंड सारे स्पाइसेस थे, क्यूमिन पाउडर एंड क्यूमिन सीड्स वगैरह यहाँ पर सारा कुछ था। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर अंडे, तो अंडे लेने थे क्योंकि अंडे तो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो ये जो अंडों का पूरा एक क्रेट है जिसे हम क्रेट बोलते हैं, इसकी पाकिस्तानी प्राइस
1332 रुपये। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर सॉल्ट लेने। सॉल्ट हमारे पाकिस्तान में कितना आम होता है, बट यहाँ पर वो भी लेना इतना आसान नहीं है जी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सॉल्ट, एंड 1 kg सॉल्ट लिया मैंने, एंड उसकी जो प्राइस है 557, यानी कि 550 रुपये में 1 किलो नमक। यहाँ पर सॉल्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, रोस्टेड सॉल्ट, सीजनिंग सॉल्ट, बहुत टाइप के सॉल्ट पड़े होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। तो यहाँ पर मैंने सीजनिंग सॉल्ट ले लिया। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किमची की तरफ। ये है कोरियन किमची, मूली की किमची, एंड कोरिया में बहुत ज़्यादा ये यूज़ की जाती है हर खाने के साथ। ये है लहसुन की किमची, यानी कि जैसे हम लहसुन का अचार बनाते हैं, तो ये कोरिया किमची है। गार्लिक किमची बहुत मज़े की ये होती हैं, दोनों दोनों मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पर 3 शिमला मिर्च ली हैं मैंने, तकरीबन 250 रुपये की, पाकिस्तान 250 की 3 शिमला मिर्च ली हैं। यहाँ पर अंगूर लिए हैं, ये ग्रीन अंगूर हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के अंगूर होते हैं, एक अंगूर होते हैं जिनमें बीज होता है एंड बीज नहीं होता है। वाह, यहाँ पर मुझे पाकिस्तानी मैंगो नज़र आ गया, एंड एक पाकिस्तानी मैंगो की प्राइस 564 पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा जी, तो यहाँ पर नज़र आ गया है मुझे कोरियन तरबूज, वाटरमेलन। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा है और मुँह से उठाया नहीं जा रहा। अच्छा जी, तो ये इसकी पाकिस्तानी प्राइस है 2800 रुपये, बहुत मज़े का ये होता है लेकिन। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ एप्पल, एंड एप्पल की जो प्राइस है तो ये हैं वो 1086 रुपीज़ के। अच्छा जी, तो ये 1 kg या 1 किलो कह लें। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर 1 दर्जन जो हैं वो मुझे नज़र आ गए हैं बनाना, एंड इनकी प्राइस है 2400, एंड पाकिस्तान ने ये बना 347 रुपीज़ के। अभी यहाँ पर हम ले रहे हैं आलू, जितने आपको आलू चाहिए आप अपनी पसंद के मुताबिक खुद से बैग में डालें, 1 2 3 4 जितने मतलब चाहिए डालें। देन उसके बाद यहाँ पर वेट स्केल लगा उसके ऊपर रखें, एंड देन उसको मेजर करें कि कितने आपके बने, एंड प्राइस टैग आ जाएगा वो ऊपर लगाएं, एंड अपनी कार्ट में रख के तो आप आगे चलें। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ अनियन, प्याज ले लिए यहाँ पर मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो प्याज हैं तकरीबन 5 kg हैं, एंड इनकी प्राइस है जी 1142 रुपये, यानी कि 1150 के हैं। तो यहाँ पर तकरीबन शॉपिंग हो चुकी है, अभी यहाँ पर बिल बन रहा है। तो आपने मुझे आज ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो कोरिया में ना वेदर भी बहुत मज़े का होना शुरू हो गया, जो गर्मी है वो तकरीबन जा चुकी है। आजकल बहुत मज़े का मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एंड तो मोस्टली तकरीबन बारिश हो रही होती है। तो आपने आज मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आऊँगी एक नई एंड अमेजिंग वीडियो के साथ, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।